जैसे जिक्र कर रहा था कि आज हमारी खुशकिस्मती है जी, हम डिटसन बाग शहर में शरीफ खालिद साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जोर की नमाज के बाद इनसे टाइम लिया। ये मंजर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उन बाजारों उन गलियों का मंजर है जो 20 साल पहले बिल्कुल बेआबाद इलाका था। इनमें से बाज़ घर आप देख रहे हैं नए बने हुए हैं, बाज पुराने भी हैं जी। अच्छा, ये सारा एरिया जो है बिल्कुल नया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये बाज़ मस्जिद का हाँ, जो शहर के अंदर है पूरी जर्मनी में। अच्छा, 90% लोग पैदल इसमें आते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। ये जर्मनी के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि इजाज़त मिल जाए शहर की आबादी के अंदर मस्जिद की। ये डिटसन बाग को ये आदत मिली क्योंकि 20 साल से काम कर रहा हूँ शहर की पार्लियामेंट के मेंबर के हैसियत से। अच्छा, मुख्तलिफ तंजीमों के। अच्छा, बेल्ट हाँ, मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। बिल्कुल सही है, देखें जी। अच्छा, बाहर आज के मेंबर के हैसियत से। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है यहाँ पे, असर आ गया। देखें जी, अल्लाह ताला की जो अनायात हैं, जो अल्लाह ताला के फजल हैं, मैं तो अभी इनको देख रहा हूँ साथ साथ ड्राइविंग पे कि आप देखें, हमारे पाकिस्तानी लोग अमूमन जब 70-80 साल के होते हैं ना, तो वो बैठ जाते हैं घरों में कि जी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब्बा जी तुसी उन बैठो 80 साल। लेकिन 90 साल की उम्र में इस तरह इन शहरों में जहाँ इतने रश, ये देखें गाड़ियों की इस वक्त भरमार है, ड्राइविंग करनी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी, ये भी एक अल्लाह ताला की देन है। और अच्छी सेहत और अच्छी याददाश्त के साथ ये सारा इलाका, नया इलाका है डिटसन बाग का। ये इमारात से आप देख सकते हैं, अब मकान मेरा तीन चार मंजिला ये बिल्डिंगें हैं जिनमें रहायशी एरिया सारा, और बड़ा खूबसूरत कर दिया इनको। ये सब्ज़ा तो खैर जर्मनी का वैसे ही मशहूर है पूरी दुनिया में, सड़कों के अतराफ पे ग्रीन एरिया। बाकी ये है कि इस यहाँ मस्जिद का प्लान पहले भी बना था डिटसन बाग में, लेकिन वो चल नहीं सका था गालबन। पहले हम फ्लैट लिया हुआ था अच्छा, पे पहले एक किराए पे लिया था, फिर खरीदा एक फ्लैट। अच्छा, लेकिन अब जमात तकरीबन 1000 के करीब हो गई हुई थी। अच्छा अच्छा, वो गुजारा नहीं होता था। ये मस्जिद कौन से सन में बनी है, ये वाली जो मस्जिद? 2010 में खलीफतुल मसीह खामस ने इसका इफ्तिताह फरमाया। और आजकल कितनी जमात है डिटसन बाग की, आपको अगर कोई अंदाजा? 1000 के लगभग। एक मतलब ये कैपेसिटी पूरा कर जाती है फिलहाल मस्जिद जो है। ठीक है जी जी। अच्छा, ये 2 मिनट के फासले मस्जिद से। अच्छा, ये सामने लिखा हुआ है रथ हाउस। ये बेसिकली वो जो म्यूनसिपल जो होती है, जिसको आप पाकिस्तान में आप क्या कहेंगे इसको, वो जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल का दफ्तर जो है, ये हमारी मस्जिद से कितने मिनट का आपने फासला बताया जी? पैदल 5 मिनट। 5 मिनट का रास्ता है। और यहाँ से ये 7 मार्केट है, बहुत बड़ा स्टोर सारी शहर के सेंटर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मेरा ख्याल है डिटसन बाग की आबादी में अब मिक्स लोग ज्यादा हैं, तो तमाम जो 1/3 फॉरेनर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें तुर्कों की तादाद ज्यादा है, उनकी भी यहाँ पे मस्जिद है, मराको की भी मस्जिद है। अच्छा, लेकिन हमने एक मजहबी सोसाइटी बनाई हुई है, 4 चर्च है और 3 मस्जिद है। अच्छा, हर एक के 2-2 नुमाइंदे हैं उसमें। हाँ, हम बाकायदा मीटिंग करते हैं और अच्छा, कोई भी मसला हो हम बैठ के उसमें। अच्छा, इत्तेफाक से बिल्कुल आपस में कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा अच्छा, और वो बड़ी बाकायदगी से हमारी 10 साल से वो तंजीम हमने पहले कायम की हुई है। अच्छा अच्छा, जिसके मेरे ये आइडिया था, लेकिन हम बड़ी बाकायदगी से उसको चला रहे हैं। और हर साल फिर हम एक दफा सारे, वो कभी मीटिंग हमारी मस्जिद में होती है। अच्छा, कभी तुर्कों की मस्जिद में, कभी किसी चर्च में। अच्छा, बाकायदा ये, और फिर आपस में कोई भी जो भी मसला हो हम बैठ के उससे डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह करते हैं। अच्छा, आपने कभी इसकी अमली सियासत, जो जैसे यहाँ पुराने लोग पाकिस्तानी ले लें दूसरी अकवाम के, वो जो यहाँ पे जो इंतखाबात होते हैं, जो कोई इस डायरेक्शन में भी कभी
सोचा कभी या कभी कोई हिस्सा लिया जाए या कि कभी नहीं इस पर? हमारा पार्लियामेंट में मेंबर है, मैं 20 साल से मेंबर हूँ। डिटसन बाथ जी पा, अच्छा ऑस्टरलैंडर बायराड का, और ऑस्टरलैंडर बायराड वो है जो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे पार्लियामेंट की जो कमेटियां होती हैं उसमें सारे हमारे मेंबर होते हैं, उसी तरह इंतखाब होता है जिस तरह पार्लियामेंट का। अच्छा 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 अच्छा, और मुझे ये गुज़श्ता साल पार्लियामेंट ने अच्छा वो अवार्ड दिया है। हाँ जी, जो जर्मनी डिजिटल में शायद आज तक एक दो बंदों को मिला। अच्छा अच्छा, वो बंदा जो मतवातर 20 साल तक बगैर वक्फे के इलेक्शन लड़ के मुंतखब होता रहे, अच्छा कोई वक्फा ना उसमें हो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, और अच्छा। वो अवार्ड ही नहीं, उसमें एक टाइटल है जिसे वो टाइटल दिया जाता है उसके नाम के साथ, वो लिख सकता है। अच्छा, स्टैट आल्टिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुराना इनका तारीखी जर्मनों का मतलब है, ये कानून का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, पूरी पार्लियामेंट की तरफ से ये पिछले, ये जो मेंबरान इस तरह होते हैं अपना खास साहब, ये इनको ये इजाजी, ये तो बकायदा इंतखाब के बाद आते हैं पार्लियामेंट में, इसी तरह इंतखाब होता है जिस तरह हमारे होता है। तो इनका इनका कोई बकायदा फिर कोई जो क्या कहते हैं इजाजी तनख्वाह या कोई, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है? अच्छा, उनके सिर्फ वो मुझे भी मिलते हैं। अच्छा, वो मीटर जो जितनी भी होंगी, अच्छा उसके पैसे मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तनहादार सिर्फ बुर्गामास्टर या एस्टेट स्टार्टराड होता है। अच्छा, बाकी अच्छा, मेंबर जो होते हैं उनको सिर्फ जितनी मीटिंग कोई जरूरी जब मीटिंग होती है ना, वो हर मीटिंग के पैसे मिलते हैं। तो ये कितने मेंबर हैं टोटल डिटसन बाग जो, जिस तरह बाग के पार्लियामेंट के 45 मेंबर है। अच्छा ठीक, और ऑस्टरलैंडर बायराड के 19 मेंबर है। अच्छा अच्छा, ऑस्टरलैंडर बायराड जो है ये नुमाइंदगी करते हैं फॉरनर जितने उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, उसको फॉरनर वोट देते हैं। अच्छा, मुंतखब उसी तरह होते हैं, ठीक उसी तरह इलेक्शन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो उसको वोट जो है क्योंकि ये कहते हैं कि अगर फॉरनर की राय हम तक ना पहुंचे, हाँ जी, तो शहर का फायदा कोई नहीं। सही है, मतलब जो फॉरनर मसाइल तो बहुत फॉरनर के होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये एक पार्लियामेंट है जो इसे फॉरनर की पार्लियामेंट कह ले, लेकिन ये मिल के काम करते हैं, ठीक, आपस में कमेटियां जो बनती हैं फिर काम करने की, ठीक, उसमें सारे एक दूसरे की कमेटियों में होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका ये मेंबर बनने का कोई एडवांटेज, यानी आपको जैसे हमारे अब जमात के जो लोग मेंबर इस तरह हैं, कोई इनकी राय का ऐसा, मैं कहता हूँ ना ऐसे तो मस्जिद हमने शहर में नहीं बना ली। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बुर्गा बादशाह को मैं इस तरह अच्छा हाथ पकड़ के तो मस्जिद में हम ले आते हैं। अच्छा, मतलब जब दोस्त है हम हर महीने इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम तो ताल्लुकात जो 20 साल से हमारे ताल्लुकात, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, असल तो ताल्लुकात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो इसमें हमारे चूंकि मैं मतवातर लंबे अरसा चल, मेरे साथ और भी अच्छा दोस्त अभी तीन है, और दोस्त अच्छा तीन है, ठीक ठीक ठीक, जो और एक अच्छा डायरेक्ट पार्लियामेंट का भी मेंबर है हमारा, मतलब है हमने पिछले साल उसको खड़ा किया था, ठीक है लड़का है, ठीक है। तो हमारा यहाँ बहुत इसी तरह एक तंजीम है सीनियर बायराड, अच्छा उसकी भी पार्लियामेंट मशवरे लेती है उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी मैं मेंबर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, उसका भी मैं मेंबर हूँ। एक्टिव लाइफ आपने जर्मनों की तरह गुजारी, जैसे ये जर्मन एक्टिव होते हैं ना, बिल्कुल मुकम्मल। मैं समझता हूँ कि मुबल्लग की जो है वो जर्मनों से भी ज्यादा मुबल्लग, बिल्कुल सही लाइफ होनी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक एमडी भी आप समझ, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, जिसका जो समझता है कि मैं एमडी हूँ, बिल्कुल सही, उसको लाइफ का ये स्टाइल रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। जब तक हम इनके अंदर नहीं बैठेंगे, हाँ जी, वो आपके साथ कैसे आके बैठेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तल्लुक अगर नहीं बनाएंगे तो फिर वो बिल्कुल सच्चा। मतलब हम जब कोई मीटिंग करते हैं जी, तो मैं सारी जिन 6 फराइन का मेंबर हूँ जी, उन सब को दावत दी जाती है। अच्छा, और वो आते हैं हमारे मस्जिद में, ठीक है। फिर अगर नहीं भी कोई आते तो उनको हमारी एक्टिविटी जो हम करते हैं जहाँ अच्छे काम जी जी, वो सारा पता लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं जब दावत दूं कि हम कल कार्यमल करना है हमने जी, है जी, जी, तो कोई हमारे साथ बेशक आके मिलकर करना चाहे करे, बिल्कुल सही, ठीक। हम शुरू साल में
तो वो जब लोगों को खत जाते हैं, जब लोगों को दावत जाती है, जब तो वो कम से कम लोगों को ना भी कोई आएगा जी, तो आपका दावत तो बिल्कुल कि ये लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और चैरिटी वर्क आप करते हैं जी तो सारे लोगों को पता लगता है उसका। बिल्कुल सही। तो जब तक जब हम इन तंजीमों में शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल में तबलीग का जो हमारा पुराना स्टाइल है ना जी, वो नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। जब इसमें असूल ये है कि जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे वो आपके पास, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। और आपको पहल करनी हो, बिल्कुल सही है। यहाँ 120 तंजीमें हैं शहर में। अच्छा है? अच्छा अच्छा। तो आप अगर उसके बाद में से 2 के मेंबर बने, 3 के मेंबर बने, आप उनके पास जाएं, बिल्कुल, फिर आप उनको बुलाएंगे तो वो भी आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली यही मुमकिन है। हाँ। प्रैक्टिकली यही मुमकिन। चलो जी, शुक्रिया। जी आज हमारी